कैथल में आज नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ले जाने के विरोध में रोष मार्च निकालते हुए डीएमसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पुतला फूंका। कर्मचारियों ने नगर पालिका में रात्रि में सफाई करने वाले 40 सफाई कर्मचारियों को हटाकर नए सफाई कर्मचारी रखने का भी विरोध किया और डीएमसी कार्यालय के बाहर पड़ाव डाला। कर्मचारियों का कहना था कि वे पुराने कर्मचारियों को नवनियुक्त चेयरपर्सन सुरभि गर्ग के दबाव में हटाया गया है। अगर उन्हें जल्द नौकरी पर नहीं रखा गया तो वे आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज का ये प्रदर्शन नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे 22 के 22 जिलों में आज पुतला दहन कर रहे हैं नगर निगम कौशल रोजगार को लेकर, और जो रात्रि के टाए गए कर्मचारी है जो लोकल मांग है उसको भी लेकर आज हम यहाँ पर पड़ाव कर रहे हैं। अगर जो डीएमसी सर है अगर उन्होंने रात्रि के कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया तो अनिश्चितकाल आंदोलन किया जाएगा, जिसमें फायर के, दफ्तर के, चीका के और पुंडरी के, राजौंद के सभी कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। हम रात्रि के 65 कर्मचारी हैं और डीएमसी साहब ने नए पुराने अटाक है और नए कर्मचारी ड्यूटी पर ले लिए। हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक डीएमसी सर हमें ड्यूटी पर नहीं लेंगे। सफाई कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसे में देखना होगा प्रशासन इनकी मांगों को लेकर क्या रुख अपनाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।